वेलकम बैक टू बी टाउन गपशप। आई एम अंजलि एंड आज हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिस के बिना अवार्ड शो के स्टेज पर उतरी नौरा और बैली डांस से सबको चौंकाया। जेसिका बनकर सामने आई जैकलीन फर्नांडिस, रेस 3 का दूसरा पोस्टर हुआ आउट। बॉलीवुड में वापसी के लिए तैयार है प्रियंका चोपड़ा, देखिए किस फिल्म में दबंग सलमान के साथ आएंगी नजर। शाहिद ने वाइफी मीरा के सामने खुल के बताई अपनी लव लाइफ। बिग बॉस 9 में अपनी अदाओं के जलवे दिखा चुकी एक्ट्रेस नौरा फतेही बेहतरीन बैली डांसर हैं। अक्सर नौरा अपने सिजलिंग डांस का वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करती रहती हैं। ट्यूजडे को एक्ट्रेस ने बेंगलुरु में हुए मिस इंडिया फेमिना दीवा अवार्ड्स 2018 में अपनी स्टेज परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर किया है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इस सोलो परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा है कि वह म्यूजिक सुनती गई और उन्होंने पूरी परफॉर्मेंस दे डाली। इस वीडियो के जरिए उन्होंने दिखा दिया है कि बैली डांस में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। कुछ घंटे में ही वीडियो पर लाखों व्यूज आ गए। बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही रेस लगने वाली है। जी हाँ, दबंग सलमान अपनी टीम के साथ जल्द ही रेस लगाने जा रहे हैं। अभी हाल ही में सलमान का पहला लुक आउट हुआ था। फिल्म के पोस्टर में सलमान का लुक देखते ही बन रहा है। सलमान खान फिल्म के पोस्टर में गन लिए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जैकलीन का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, जैसिका रॉ पावर। इसके जवाब में जैकलीन ने रीट्वीट करते हुए लिखा, और ताकत खतरनाक भी हो सकती है। फिल्म से धीरे धीरे अब स्टार्स के लुक को रिवील किया जा रहा है। फिल्म में सलमान के साथ जैकलीन फर्नांडिस, बॉबी देओल, डेजी शाह, साकिब सलीम और अनिल कपूर हैं। फिल्म को रेमो डिसूजा डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं फिल्म इसी साल ईद पर यानी 15 जून को रिलीज होगी। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों हॉलीवुड में छाई हुई हैं। लेकिन बॉलीवुड में उनकी काफी वक्त से कोई फिल्म नहीं आई। फैंस उनकी फिल्म के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अभी हाल ही में पिगी चॉप्स इंडिया वापस आई हैं और इंडिया आते ही वो काम में लग गई। प्रियंका ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में 6 स्क्रिप्ट्स की पिक्चर शेयर की है। अब खबर है कि प्रियंका ने अपनी एक स्क्रिप्ट को फाइनल कर लिया है और फिल्म भी फाइनल हो गई है। एक रिपोर्ट की माने तो पिगी चॉप्स किसी और के साथ नहीं बल्कि सलमान खान के साथ फिल्म भारत में नजर आएंगी। अगर ये दोनों इस फिल्म में काम करते हैं तो दोनों करीब 10 साल बाद साथ काम करेंगे। आखिरी बार दोनों 2008 में फिल्म गॉड तुझसे ग्रेट हो में नजर आए थे। फिल्म में सलमान 5 अलग अलग किरदारों में दिखेंगे। हाल ही में सलमान की रेस 3 का पोस्टर रिलीज हुआ है। फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है। वहीं प्रियंका भी क्वांटिको 3 की शूटिंग खत्म कर चुकी है। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और क्यूट कपल्स में से एक हैं। जुलाई 2015 में शाहिद ने अरेंज मैरिज कर अपने सारे फैंस को चौंका दिया था। तब से अब तक वह मीरा के लिए परफेक्ट हस्बैंड और मीशा के लिए बेस्ट फादर साबित हुए हैं। नेहा धूपिया के टॉक शो BFFs विद बोक का नया प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें शाहिद और मीरा गेस्ट बनकर पहुंचे हैं। प्रोमो से इनकी केमिस्ट्री साफ देखी जा सकती है। कलर्स इन्फिनिटी पर सैटरडे एट 8 PM टेलीकास्ट होने वाले इस एपिसोड में शाहिद अपनी लव लाइफ से जुड़े खुलासे करते नजर आएंगे। मीरा से पहले शाहिद का नाम करीना, प्रियंका और विद्या बालन के साथ जुड़ चुका है। नेहा ने जब शाहिद से पूछा कि क्या कभी किसी ने उनके साथ प्यार में चीटिंग की है, बिना किसी का नाम लिए जवाब में शाहिद ने कहा, मैं एक के बारे में तो श्योर हूँ, दूसरे के बारे में मुझे डाउट है। प्रोमो में मीरा शाहिद की लव लाइफ पर हो रहे सवालों पर काफी मजे ले रही हैं। वेल, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग BHBC News।